शाली, मैं वो बता रहा था कि मम्मी ने छोटी उम्र में इतना सिखाया कि पासने वाले की थाली में क्या है वो हमें दिखना नहीं है। बात तो बहुत छोटी लगती है मगर ये छोटी बात के अंदर कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अब जब समझदारी बुद्धि का थोड़ा विकास हुआ ना, अब लग रहा है कि दूसरे पासने वाले की थाली में क्या पड़ा है वो हमें दिखना नहीं, उसका मतलब क्या। छोटी उम्र में वो भी सही था क्योंकि मेरी थाली में पेटा नहीं आया, उनकी थाली में पेटा आया तो वो दिख के मुझे अंदर में बेचैनी होगी और राग द्वेष होगा, मन डिस्टर्ब होगा तो वो दुखी करने वाला है। और पासवे वालों की थाली में क्या पड़ा है वो दिख के ज्यादातर व्यक्ति दुखी होता है। पासवे वाले की थाली, आपकी थाली क्या है, आपका जीवन वो आपकी थाली, मेरा जीवन वो मेरी थाली, उनका जीवन वो उनकी थाली, उनके जीवन में उनको क्या मिला है वो दिखने से मुझे क्या फायदा, मुझे मेरे जीवन में क्या जरूरियात है, मेरी जरूरियात मुझे उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है वो ही दिख के मुझे मेरे जीवन में आगे का प्लानिंग करना है। पासने वाले को यो मिला मुझे भी वो मिलना चाहिए, वैसी वृत्ति वो ही दुख का मूल है। पासने वाले के जीवन में ये मिला है उनको मुझे भी वो मिलना चाहिए, दूसरे का कुछ जीवन में प्राप्त हुआ दिख के खुद को वो पानी, हाँ खुद के जीवन की जरूरत है तो पाने की आप इच्छा करो ठीक है, आपकी भूमिका में वो शायद स्वीकार कर लेंगे, मगर सामने वालों को मिला है इसलिए मुझे मिलना चाहिए वो तो दुष्ट मनोवृत्तियां तेरी खुद की आत्मा को दुखी करने वाला है। आज का समाज सिर्फ इस विकृति की वजह से ही ज्यादातर बेचैन है। फिर से बोल रहा हूँ कि आज का समाज ज्यादातर इस विकृति की वजह से ही ज्यादातर दुखी है। तुझे रोटी सब्जी मिल रहा है फासने वालों को कितना भी मिठाई परेशान होता क्या लेना है, रोटी सब्जी से तुझे नहीं चलता है तो तू परेशान की इच्छा कर अलग बात, मगर उनको मिला इसलिए मुझे मिलना चाहिए उससे तो ज्यादा कटु दुर्वृत्ति क्या हो सकती। स्पर्धा का भाव वो पश्चिमी संस्कृति वालों ने एक जहर के रूप में हम लोगों को अंदर अंदर में झगड़ा कराने के लिए, एक दूसरे का टाटिया खींच करके पूरे समाज को बर्बाद करने के लिए सैकड़ों पहले ये दुष्ट विकृतियां का जहर हमारे दिमाग में 3 साल की उम्र से डालना शुरू कर दिया। फिर भी आप समझते नहीं है क्या, समझाने वाले के पास आना नहीं, हालत बिगड़ने वाली ही है, समझ में आता है सर। तो ये सब हमारे आत्मा के रोग हैं, उन रोगों को मिटाने से रोग नहीं, यानी कि फिर से ये समझो कोलेस्ट्रॉल होना, ब्लड शुगर होना, कैंसर होना, मलेरिया होना, ये सब शरीर के रोग है, अंदर की तृष्णा, अंदर का अहंकार, आपका अहंकार। आप अहंकार किस लिए करते हो, दुनिया में अच्छा दिखाने के लिए करते हो, अहंकार किस लिए करते हो, समाज में अच्छा दिखाने के लिए करते हो। मैं कहता हूं आपने कभी मेरा मयूर की बात सुनी है, मोर मोर होता है वो क्या करता है, हम छोटे थे ना, छोटे थे ये छोटी उम्र में, आज का शिक्षण में भी कोई संस्कार रहा नहीं है, जानबूझ के शिक्षण को भी विकृत कर दिया है। हम छोटे थे, छोटे यानी 5-7 साल के, तब ये सभी बातें हमारे कान में आती थी। जब मोर नाच करता है ना तब पीछे का भाग खुला हो जाता है, वो उसको भान नहीं रहता, समझ नहीं आया। जब मोर नाच करता है ना तब खुद का पीछे का भाग खुला हो जाता है, उसका भान उनको नहीं होता है, यानी कि वो इतना नादान है, समझहीन है कि खुद का पिछला भाग खुला हो जाता है वो उनको ध्यान में भी नहीं आता। सही बात है ना, आप लोगों की हालत ये है अहंकार की वजह से। आप जब कोई भी व्यवहार करते हो ना अहंकार किस लिए करते हो, अच्छा दिखाने के लिए ना, मगर आपका अहंकार की वजह से ही आप दुनिया में बुरे लगते हो। आपके खुद के अहंकार की वजह से ही दुनिया में बुरे लगते हो, आपको अनुभव होगा। कोई व्यक्ति अहंकार की वजह से कितना भी अच्छा दिखावा करेगा उनके पीठ के पीछे आप लोग क्या बोलते हो, क्योंकि आपको पता चलता है कि अहंकार का पुतला है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंदर से तो वो क्या है, वैचारिक रूप से बहुत दरिद्र आदमी है, भावना में अंदर से वो निम्न कक्षा का व्यक्ति है। कोई बड़ी बड़ी बातें करने वाले या तो श्रेष्ठी श्रीमंत लोग जो है समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उन लोगों के बारे में भाग्यशाली आप लोग कैसी बात
बाद में आपका सम्मान शुरू हो जाएगा।
इसलिए यहाँ आने वाले पुण्यात्माओं को मैं हृदय से रिक्वेस्ट करता हूँ, दुनिया को मूर्ख है, अज्ञान है, पागल है, मोह से ग्रस्त है, वो दुनिया कैसे भी आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको उसमें टूटना, आपको पसंद आता है तो करो, आपको पसंद नहीं आता है आपकी मर्जी, मगर दूसरे का शब्दों की वजह से आप टूट जाते हो तो वो टूटने की आपको जरूरत नहीं है। हिम्मत की कहो, दुनिया तो दो साइड बोलने वाली है, आप धर्म करोगे ना बोलेगे कि और आप धर्म छोड़ दोगे ना पामर, इतना भी सहन नहीं कर सकता है। हमने इतना बोला तो वो क्या अंदर से डिस्टर्ब हो गया, उसमें ताकत है कहां, और पाप करने लगोगे तो ये तो दारू आप भी बोलते ही है ना, ये तो जुगाड़ खेलता है, ये तो दारू पान करता है, ये तो बाहर की दुनिया में भटक के अपना जीवन को, हम भी अपने लिए बोलते हैं तो हमारी बात को क्यों महत्व नहीं है, समझ में। यानी कि आपको रिक्वेस्ट है कि दुनिया की बातें सुन सुन के आपको मानसिक रूप से टूटना नहीं है, आप अंदर से जो कर रहे हो वो आपको उचित लगता है तो हिम्मत टिका के पकड़ के रखो, आपको ठीक नहीं लगता है तो आपकी मर्जी, मगर दूसरे की बात सुन के हमें टूटने की जरूरत नहीं है। और आप शर्म से झुक जाते हो ना, इसलिए ही वो आपके पर हावी होता है। उस संजोगों में इतना ही करो भाई, इतना तो आज बल नहीं है, मगर मेरे लिए भी भगवान को शुभ कामना करना, तो कोई दिन शायद दीक्षा तेरे तेरी भी शुभ भावना का बल मिलेगा तो ले लूंगा। सामने से आपने पटकार से जो बोला दो तो चार बात के बाद पांचवी बार वो खुद बोलने का बल कर देगा, समझ में आता। जब दूसरे की कटाक्ष की बातें सुन के हम अंदर से शर्म से छुप जाते हैं या डर जाते हैं ना, तो ही वो लोग हमारे पर हावी होते हैं। ऐसे संजोगों में दो गुनी हिम्मत से जो हम जवाब देते हैं ना, तो वो कटाक्ष करने का थोड़े दिन में बंद कर देता नहीं, भावना नहीं है मगर अच्छा तो लगता है ना। आज दीक्षा आप नहीं ले सकते, मगर दीक्षा लेने जैसी है वैसा तो बनते ही हो ना, तो श्रद्धा और बहुमान से भाई आज तो ऐसा कोई भाव हकीकत में नहीं है, मगर मेरे लिए प्रभु को प्रार्थना करना कि कभी मुझे मिल जाए तो वो बोलने में क्या पैसा पड़ता है। यानी कि कोई कटाक्ष से आपका मजाक उड़ाए तो उस वक्त आपको डरना नहीं है, उस वक्त आपका वो आपका मोरल तोड़ रहे हैं, हमें अंदर से टूटना नहीं है, हम हिम्मत से दो गुनी ताकत से जवाब देंगे भाई आज इतनी कक्षा नहीं है, मगर भगवान की कृपा कभी हो यार वैसा मैं भी मन से सोचता हूँ, बस आप लोगों की पुण्यात्माओं की शुभ भावनाओं से ही मेरा विकास होगा, और मैं तुझे कहता हूँ मेरे लिए भगवान को प्रार्थना करना कि मुझे दीक्षा का मन हो, ऐसा आपने हिम्मत से बोल दिया ना दोबारा वो आपको कटाक्ष नहीं करेगा, समझ में आता है। उस वक्त भी हिम्मत से बोलना, शायद मान लो कि महाराज साहब हम बहुत धर्म करते हैं और कोई भी मोह की वजह से हम कहीं पर चूक गए और हमने गलत काम किया कर दिया, यानी कि होटल में चला गया, ऐसा कुछ पाप कर दिया, तो वो लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। अब भी हिम्मत से देखो भाई, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, पामर नहीं करना चाहिए अंदर से मानता हूँ, मगर मोह की वजह से आज मेरा भाव थोड़ा नीचे गिर गया, इसलिए मैं होटल में आ गया हुआ कि सच्चा तो वही है, वही पकड़ के रहूंगा, हर वक्त पालन शायद नहीं भी होगा, मगर मेरी गलती तो गलती ही है, मैंने बोला कि कोई भी प्रश्न का जवाब दो गुनी ताकत से दो वो आपकी मजाक करने का बन, ऐसे मोह की बात कोई डाल बना देंगे तो फिर देखो ये बात तो जिनको साधना करनी है उनके लिए है, जिनको दिखावा ही करना है उनके लिए मेरा ये प्रवचन है ही नहीं, उनको तो आप जो करना है वो आप करो, आपको मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये तो जो वास्तव में मोह की पकड़ में कभी कभी गिर जाता है, मगर अंदर से सम्यक दर्शन के पास नजीक आया है, ये सच्चा लगा है, यानी कि निर्दम भाव से इसको सम्मान करता है, उनके लिए ये सभी बातें है, उस सभी के लिए नहीं। जिसको तो सिर्फ दंभ ही करना है उनके लिए तो वो कुछ भी करेगा, उनको तो संसार में भटकना ही है, वो धर्म की उपदेश के लिए वास्तव में पात्र भी नहीं है, इसलिए उन लोगों की मैं चर्चा भी नहीं करता। चलो तो
दोबारा मूल विषय की ओर आगे जा रहे बीच में जो विषय जो अहंकार इतने सालों से काल से हम हमारे साथ चलता आ रहा है उसको मतलब तोड़ना कैसे है छोटा कैसे वो तो सिखा रहा हूँ वो सब बातें सिखाता हूँ भाग्यशाली कि आपसे भी ज्यादा हम भी अनंत काल से अहंकारी थे मगर बहुत सारे साधक आत्माओं ने ये सब उपदेश को सुनकर अहंकार को बिगाड़ा तो वैसे मैं भी उन लोगों का आलम्बन लेके मेरी आत्मा को बचा पाऊंगा और भी भगवान ने कहा है कि आपको जितना भी अहंकार होता है ना अहंकार को मिटाने के लिए आपसे भी इस जगत में जो आत्माएं ऊंचे चढ़े हुए हैं उन लोगों का स्मरण करना आप कितने भी बुद्धिशाली हो दावा करके कहता हूँ कि आपसे ज्यादा बुद्धि वाले लोग इस धरती पे है उनको याद करोगे तो आपका अहंकार ऊंचे होंगे जितनी भी आराधना करते हो आपसे भी ज्यादा आराधना करने वाले लोग इस धरती पे है यानी कि जब भी अहंकार आता है तब प्रामाणिकता से जो लोग आपसे भी आगे निकल गए हैं उन लोगों का स्मरण करके उनका बहुमान भाव हृदय में रखना उनके सामने मैं अभी नीचे हूँ वैसा आप महसूस करना आपका अहंकार पिघलना शुरू हो जाए यही सब साधना है भाग्यशाली धर्म का आचरण करते करते हमें अंदर में परिवर्तन लाना है मैं बहुत बार कहता हूँ कि दवाइयाँ कितनी भी लिया रोग में फर्क नहीं पड़ा तो उस दवाइयाँ का मतलब क्या धर्म कितना भी किया मगर आत्मा की भावधारा में अंदर की आत्मा का जो गुणवत्ता की स्थिति है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा तो वैसा धर्म का तात्विक रूप से मतलब क्या है यानी कि अंदर का परिवर्तन के लक्ष्य के साथ हर प्रकार के धर्म की हमें आराधना करना अहंकार पिघलता है सर जी तो सम्मान मिलता अपने का कोई सम्मान मिलता वही सम्मान वापस अहंकार नहीं ला सकता हो सकता है ना हमेशा मैंने बच्चा की बात बताई ना हर जगह पर लागू पड़ती है शुरू में छोटे लेवल की तकलीफें आती है उसमें से आप उत्तीर्ण हुए तो उससे बड़ी तकलीफें आएगी उसमें भी आप उत्तीर्ण हो गए तो उससे भी एक देखो हमारे वहां भगवान ने कहा है उदाहरण के रूप में बताऊं कि ये मानव जन्म में आपको जो सुख मिला ये सुख को असार समझ के हमने दीक्षा ले ली ये संसार के सुख को असार समझ के हमने दीक्षा ले लिया ज्यादातर ये दीक्षा का पालन करने की वजह से जब आयु खत्म होगी हमारी मृत्यु होगी मृत्यु होने के बाद ज्यादातर हमारी लोगों की गति क्या होगी सामान्य रूप से वैमानिक देव में ही हमें जाना है सामान्य रूप से व्यक्तिगत रूप से मेरा चरित्र ठीक नहीं है मैंने विराधना किया राग द्वेष का पोषण किया तो मेरी आत्मा की गति बिगड़ जाएगी वो अलग बात वो छोड़ सामान्य रूप से संसार छोड़ के संसार के जितने भी भौतिक संबंध लेते वो हम छोड़ दिया वो छोड़ दिया और दीक्षा लिया तो ये दीक्षा की आराधना के फल स्वरूप हमको क्या मिलेगा ना तो यहाँ जितना सुख था उससे ज्यादा सुख मिलेगा या कम मिलेगा इतने सुखों का त्याग करके हम निकले तो उससे भी ज्यादा मिला तो हमने सही रास्ता पसंद किया या गलत रास्ता पसंद भगवान कहते हैं कि तुच्छ कक्षा के सुख मिले उसमें तू उत्तीर्ण हो गया तो अब उससे भी बड़ी परीक्षा में तुझे जाना है वहां बहुत सारे भौतिक सुख सामग्रियां है उसमें भी तू टिक जाएगा ना तो आगे की गति में तुझे फिर से चारित्र मिलेगा और मोक्ष में चला जाएगा यहाँ की परीक्षा में तू पास हो गया मगर देवलोक की परीक्षा में जो तू ना पास हुआ ऊपर की परीक्षा में तो फिर से तुझे दुर्गति में भटकना है वो तो निश्चित है पहले शुरू शुरू में छोटी छोटी परीक्षा होती है छोटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो बाद में बड़ी बड़ी परीक्षा आएगी यहाँ अहंकार पिघल के बड़ा बैरागी बन के अच्छा काम किया तो यहाँ भी लोग आपकी प्रशंसा करके आपको अहंकार में फंसाने का मौका देगा मगर उस मौके में आप नहीं फंसे तो आप आगे बढ़ जाओगे उसमें फंस गए तो आप भी सबको नीचे गिरना होगा समझ में आता है तो भाग्यशाली स्पर्धा वाली बात बहुत गंभीर बात है इसलिए आप दिमाग में रखिए कि पश्चिमी संस्कृति वालों ने कितने सरकारों से हमारी समाज को हमारे तो वहां तक कहता हूं आप लोगों को नहीं जमेगा आधुनिक जितना भी परिवर्तन आया कोई भी प्रकार का आधुनिक जितना भी परिवर्तन आया है वो सब परिवर्तन हमारी लोगों की हम लोगों को गिराने के लिए बर्बाद करने के लिए हमारा समाज को खत्म करने के लिए ही आधुनिक सब चल रहा दावा करके कहता हूँ पुरवार करने की तैयारी तो बात यह है भाग्यशाली कि यह श्रद्धा का भाव 3 साल की उम्र में से डाला जाता है और उस भावना में ही हमारे जीवन में